वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाई 21 सेंटीमीटर। तो अपने पास एक तरीके से एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप हो गई अपने पास। तो एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये अपनी पाइप है और इसमें से जो पानी है वो फ्लो होके आ रहा है किसमें, क्यूबॉइडल पॉन्ड के अंदर। तो मान लीजिए कि ये अपना इधर एक पॉन्ड है इस तरीके से, और इसके अंदर जो है लेंथ और ब्रीथ हमें पता है 50 मीटर लॉन्ग है और ब्रीथ इसकी है 44 मीटर, और इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो कुछ टाइम के अंदर, जैसे जैसे इसमें पानी आएगा तो पानी का जो लेवल है वो 21 सेंटीमीटर तक आ गया। मानिए इस तरीके से समझ लेते हैं, इस तरीके से जो पानी का लेवल है मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो ये जो हाइट है, हाइट कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। तो ये कितने टाइम के अंदर हुआ वो टाइम हमें बताना है कि हाइट जो है, जो पानी का लेवल है वो 21 सेंटीमीटर तक आ जाएगा वो कितने टाइम के अंदर आएगा, और जो स्पीड है इसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो किसी स्पीड से हो रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है, यानी कि पानी एक घंटे के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी एक तरीके से। और इसका डायमीटर हमें दे ही रखा है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर इस पाइप का, तो रेडियस यहाँ से हम लोग 7 सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस क्यूबॉइडल पॉइंट के अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों चीज़ें हमें पता है, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल पॉन्ड। तो पॉन्ड के अंदर तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि जो भी पानी आया है उस पानी का वॉल्यूम कितना है। तो क्यूबॉइडल पॉन्ड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमें पता है 50 मीटर है, ब्रीथ का हमें पता है 44 मीटर है, और हाइट 21 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये भी किसमें हो गया, मीटर में कन्वर्ट। तो यहाँ से 51 जा 50 और 52 जा 100 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22। तो ये अपने पास वॉल्यूम आ गया 22 इंटू 21 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर तो ये वाली अपने पास वैल्यू आ चुकी है। अब बात करें इस अपने पास सिलेंड्रिकल पाइप की, इसके अंदर हम लोग पता कर सकते हैं कि एक घंटे के लिए जो स्पीड है वो तो दे ही रखी है, 15 किलोमीटर तक जो पानी है वो चला जाता है एक घंटे के अंदर। तो एक घंटे के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस भी पता है, और एक घंटे के लिए इसकी जो हाइट है, जो लेंथ है पाइप की, वो कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। तो वहाँ से हम लोग एक घंटे के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर। एक घंटे के अंदर जो पानी फ्लो होगा उसका वॉल्यूम हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच से। तो पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई यहाँ से तो कटेगा नहीं, इसलिए हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7। रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, यहाँ पर आ गया था अपने पास 7 इंटू 7। और दूसरी बात कि 7 वो है सेंटीमीटर के अंदर, और यहाँ पे सब कुछ हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो ये अपॉन में 100 आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इधर भी अपॉन में 100, ये भी मीटर में हो गया और ये भी मीटर में। आगे बात करते हैं इसकी हाइट की, तो जो लेंथ है वही इसकी हाइट होगी, और एक घंटे के लिए जो लेंथ है वो कितनी होगी, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इस तरीके से ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक का काम बिल्कुल आसान सा रहा, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और कट करना चाहें तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कट करें तो ये 11 आ जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 11 3 जा 33 और इंटू में 7 क्यूबिक मीटर, यानी एक घंटे के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उस पाइप के अंदर वो कितना है, 33 इंटू 7 क्यूबिक मीटर। तो कितने टाइम के अंदर इस जो ये क्यूबॉइडल पॉन्ड था उसके अंदर इतना पानी आ सकता है, तो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि इस टैंक के अंदर 600 क्यूबिक मीटर पानी है और पाइप के अंदर 1 आवर के अंदर 100 क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि 600 था तो 100 के हिसाब से 6 आवर्स लग जाएंगे। तो डायरेक्ट भी हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू जो टोटल वॉल्यूम है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड है वो कितना है, 22 इंटू 21 क्यूबिक मीटर, अपॉन के अंदर जो एक घंटे के अंदर पानी फ्लो रहा है वो कितना है, 33 इंटू 7 क्यूबिक मीटर पर आवर। पर आवर इसलिए लिख दिया क्योंकि एक घंटे में इतना पानी उसके अंदर फ्लो हो रहा था, तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कटेगा, 7 3 जा 21, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, और 3 से 3 भी कट हो जाएगा, तो अपने पास बचा 2।
और ये पर आर आवर ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी 2 आवर्स के अंदर उसके अंदर इतना पानी आ जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि इसको इस तरीके से न करके यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें, तो आप लोग लिख सकते हैं कि 33 × 7 क्यूबिक मीटर जो पानी है वो फ्लो रहा है कितने में, 1 आवर में, इधर इस तरीके से आ जाएगा, ये पानी फ्लो रहा है 1 आवर के अंदर। तो 1 क्यूबिक मीटर पानी फ्लो होगा कितने में, 1/33 × 7 के अंदर, 7 आवर्स के अंदर। और फिर जितना फाइंड करना था 22 × 21 क्यूबिक मीटर पानी को फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/33 × 7 और मल्टीप्लाई के अंदर 22 × 21, तब भी अपने पास ये की यही बात रहेगी, तो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।